हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास टेन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनसीआर सॉल्यूशंस की सीरीज हम यहां पे कर रहे हैं और उस सीरीज़ के मैंने कुछ लाइव वीडियोज आपको दिए थे चैप्टर फोर तक हम कवर कर चुके हैं इस वीडियो में हम चैप्टर फाइव देखने वाले हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे और देखेंगे चैप्टर फाइव जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स है यूजिंग इन स्प्रेडशीट तो इसके ट्यूटोरियल वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ प्रैक्टिकल के साथ और भी वीडियोज इसके आएंगे जैसे जैसे टाइम होगा उसमें आपको मिलते रहेंगे तो आज हम एनसीआर क्वेश्चंस देखते हैं तो एन टेक्सट बुक की एक्सरसाइज जो है उसमें आपको मिलेंगे चार टाइप के क्वेश्चन टाइप ए है आपका एमसीक्यू टाइप बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स और टाइप सी में ट्रू फॉल्स होता है और टाइप डी के अंदर आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू तो पहला क्वेश्चन है मैक्रो रिकॉर्डिंग कैन बी एनेबल्ड फ्रॉम द डैश ऑप्शन इन द मेनू बार तो मेनू बार के अंदर आपको अगर मैक्रो ऑप्शन एनेबल करना है तो कहाँ से कर सकते हैं ऑप्शन दिया है शीट ऑप्शन बी है डेटा ऑप्शन सी है टूल्स ऑप्शन डी है विंडो तो अगर हम बात करें तो शीट डेटा शीट के लिए यूज होता है जनरली ये मैनू आपको डेटा शीट के अंदर कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डेटा टूल्स तो डेटा के अंदर जैसे आपको एडवांस फीचर्स जैसे कि हमने देखे है आगे गोल्सिक सीनारियो सॉल्वर ये सारी चीज़ें आपको डेटा में मिलेगी कुछ चीज़ें टूल्स में भी होती है टूल्स और विंडो ऑप्शन को एनेबल करने के लिए आपको यहां पे टूल्स पे क्लिक करना होगा जनरल ये टूल्स ऑप्शन में होता है तो टूल्स मेनू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आएगा तो आंसर यहां पे टूल्स है क्वेश्चन टू रिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवेलिड मैक्रो नेम तो मैक्रो नेम का कौन सा नाम इनवैलिड है तो जब भी हम मैक्रो क्रिएट करते हैं तो ये वेरिएबल नेमिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है तो वेरिएबल के नेम कैसे देंगे तो उसके अंदर कुछ रूल्स फॉलो होते हैं पहले ऑप्शन देख लेते हैं वन फॉर्मेट वर्ड ऑप्शन बी फॉर्मेट स्पेस वर्ड ऑप्शन सी फॉर्मेट स्टार वर्ड ऑप्शन डी फॉर्मेट अंडरस्कोर वर्ड तो यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखेंगे तो रूल्स सबसे पहला रूल ये है कि हम यूज करेंगे सेफ और सेफ इसके अंदर अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स यूज करेंगे मैक्रो के नेम देने के लिए दूसरा है स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस वगैरह यूज नहीं होगा तो ये तीन ऑप्शन जो हमारे पास है ए बी सी उसमें कहीं पे नंबर है कहीं पे नंबर से स्टार्ट हो रहा है जो कि अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए कहीं पे स्पेस दिया है कहीं पे स्टार दिया है तो ये तीनों इनवैलिड है वैलिड ऑप्शन है ऑप्शन डी फॉर्मेट अंडरस्कोर वर्ड तो ये करेक्ट रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट अंडरस्कोर वर्ड नीचे रीजन भी मैंने दिए हैं क्वेश्चन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज कंटेंट्स मॉड्यूल्स विथ प्री रिकॉर्डेड मैक्रोज एंड शुड नॉट बी चेंज तो प्री रिकॉर्डेड मॉड्यूल किस में होते हैं और जो चेंज ना हो सके तो ऐसा कौन सा लाइब्रेरी आपके पास रहता है तो जब भी हम रे, मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं या मैक्रो क्रिएट करते हैं उस टाइम पे आपको ये चीज़ मिलती है सबसे पहले माई मैक्रोज यहाँ पे लिखा है लिब्रा ऑफिस मैक्रोज लिखा है अन टाइटल वन लिखा है टेस्ट लिखा है तो ये सारे ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा कि माई मैक्रोज आपको एक कैटेगरी मिलेगी उसके अंदर आपको अलग अलग मैक्रोज स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है लेकिन उसमें स्पेस होता है तो यहाँ पे माई मैक्रोज के बीच में जो स्पेस दिया है वो लिब्रा ऑफिस मैक्रोज तो ये लिब्रा ऑफिस मैक्रोज डी सी तक करेक्ट आंसर ये लाइब्रेरी होती है अन टाइटल वन एंड टेस्ट यूज होता है लेकिन वो जब तक सेव नहीं करते तो जैसे सेव करते आप तो अन टाइटल वन तो चेंज हो जाएगा और टेस्ट होता नहीं है तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई वीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कैलसी तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेसिक बेसिक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है जो मैक्रोज की लैंग्वेज है वो बेसिक में हम टाइप करते हैं तो वो बेसिक होता है राइटर एंड मैक्रो दोनों एप्लीकेशन है तो करेक्ट आंसर विल बी बेसिक ये एक थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन था नेक्स्ट द मॉड्यूल कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम आई बाय प्रेसिंग डैश तो कोई भी मॉड्यूल को आपको एग्जीक्यूट करना है टाइप करने के बाद कोड को एग्जीक्यूट करना है तो क्या प्रेस होगा तो जनरली एफ थ्री एप फोर एफ फाइव एफ सिक्स ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को रन करने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं और वो है एफ फाइव इसका आंसर चेक करेंगे एफ फाइव बाकी के जो कीज है वो यहाँ पे मैक्रो के लिए यूज नहीं होते हैं सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द मैक्रो मैक्रो का डिफॉल्ट नेम क्या होगा तो जैसे आप मैक्रो क्रिएट करते हैं उसमें डिफॉल्ट नेम ऑप्शन ए दिया है डिफॉल्ट होता है ऑप्शन बी दिया है मेन ऑप्शन सी दिया है मैक्रो ऑप्शन डी दिया है मेन अंडरस्कोर मैक्रो तो जब भी नेम की बात आती है तो जो ऑप्शन होगा उसके रिलेटेड ही कुछ ना कुछ व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द मैक्रो तो मैक्रो का चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे मेन नाम दिया है तो थोड़ा हमारा भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुछ चीज़ें आंसर लिखते समय पे ध्यान रहती है कुछ चीज़ें कभी कभी नहीं रहती है तो चलिए देखते हैं इसको तो मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो आ चुका है अब स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसमें डिफॉल्ट नेम क्या आता है वो देखना है एक बार फिर से टूल्स मैक्रोज रिकॉर्ड मैक्रो कुछ चीज़ें मैं लिख दूं कि इतनी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाए क्योंकि पहले हमने कोई टास्क किया नहीं था शायद इसलिए नहीं आया था ओके okay. इसमें है तो ये मैक्रो का नेम यहाँ पे प्रीवियस था वो आया है एक्चुअली जो यहाँ पे सिलेक्टेड है मेन ओके okay. तो मेन विल बी द करेक्ट आंसर मेन ही है मैं शायद मैक्रो पे चला गया सो so, ये आंसर करेक्ट है मेन ही आता है मेन यहाँ पे दिखा दिखाई दे रहा है तो मेन विल बी द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो उस पर हमें ध्यान रखना होगा डैश लाइब्रेरी इज ऑटोमेटिकली लोकेट लोडेड वेन द डॉक्यूमेंट इज ओपन तो जब भी डॉक्यूमेंट ओपन किया जाता है तो कौन सी लाइब्रेरी ओपन होगी तो जनरल आंसर यहां पर रहेगा आपका स्टैंडर्ड क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट ये इसका फुल फॉर्म रहता है तो ये रहेगा नेक्स्ट मैक्रो एज अ फंक्शन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग डैश एंड रिटर्निंग डैश तो एक्सेप्ट और रिटर्न क्या होगा तो जनरली हम यहां पे एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू आर्ग्यूमेंट पैरामीटर ये चीजें होती है और रिटर्निंग हम आउटपुट देते हैं तो इसका जो प्रॉपर नाम होगा वो कुछ इस प्रकार से है ये देखिए पहला आर्ग्यूमेंट और वैल्यूज हम देते हैं और आंसर में भी हमें कभी कभी वो रिजल्ट मिलेगा या वैल्यू रिटर्न करेगा तो दैट विल बी द आंसर मैक्रो डैश अलाउज टू एड डिलीट अ मॉड्यूल तो मैक्रो क्या हमें अलाउ करता है मैक्रो डैश अलाउज टू एड और डिलीट मॉड्यूल तो मैक्रो के जरिए हम क्या डिलीट कर सकते हैं तो ये एक अधूरा वर्ड है तो इसमें ऑर्गेनाइजर विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि मैक्रो ऑर्गेनाइजर हमारे पास है और मैक्रो ऑर्गेनाइजर हम ओपन करते हैं मैक्रोव में आएगा ये जो मैक्रोव है उसमें ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज डायलॉग्स तो ये है ऑर्गेनाइजर तो यहां पे ओपन होगा ये चलिए नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट द कोड ऑफ मैक्रो बिगिंस विद डैश फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मैक्रो एंड एंडस विद डैश तो स्टार्ट होता है कोड किससे होता है तो कोई भी चीज हम करते हैं मैक्रो में तो ये बेसिक लैंग्वेज है तो बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट होगा सबसे उसमें सारे सब बनते हैं और एंड होता है एंड सब से तो अगर इफ भी स्टार्ट होता है इफ और एंड डिफ से एंड होगा तो इस तरीके से होगा तो सब एक सबोर्डिनेट के लिए दिया जाता है वर्ड और एंड सब यहाँ पे वर्ड आएगा नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट मैक्रोनेम इज सेव्ड इन डैश तो बाई डिफॉल्ट किस में सेव होता है तो मैक्रोनेम जब भी हम देखते हैं तो बाई डिफॉल्ट उसके गैलरी में जो मैक्रोज होते हैं उसके अंदर सेव होगा तो वो मैक्रो का नाम होता है जो हमने आगे ऑलरेडी कवर कर लिया है और वो है मेन तो मेन के अंदर चेक होगा चलिए नेक्स्ट ट्रू फॉल्स यहाँ पे हमें हाँ देखना है मैक्रो इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल इंस्ट्रक्शन तो सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो हो सकती है वंस क्रिएटेड मैक्रो कैन बी यूज बाय नंबर ऑफ टाइम्स तो एक बार क्रिएट कर लिया तो मैक्रो नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही है कर सकते हैं जितने बार भी यूज करना हो बाय डिफॉल्ट द मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर इज टर्न ऑन तो बाय डिफॉल्ट ये टर्न ऑन नहीं होता है ये हमें टर्न ऑन करना पड़ता है एक्टिवेट करना पड़ता है ऑप्शन के जरिए हम करते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑफ अ मैक्रो तो ये भी फॉल्स है क्योंकि हम उसको स्टॉप करेंगे तभी वो सेव होगा एवरी मैक्रो शुड बी गिवन यूनिक यूनिक नेम नेम यस ये करेक्ट है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और मैक्रो वंस क्रिएटेड कैन बी एडिटेड लेटर बिल्कुल कर सकते हैं कभी भी आपको करना है तो कर सकते तो ये भी ट्रू रहेगा चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला है वॉट इज मैक्रो लिस्ट एनी टू रियल लाइफ सिचुएशन वेर दे कैन बी यूज तो सबसे पहले अब मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो एक होता है सिंगल इंस्ट्रक्शंस जो हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं वो सिंगल होता है लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल फंक्शंस इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली सेव होगा इसमें दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन भी सिक्वेंस ऑफ कमांड्स हो सकता है कोई भी सिक्वेंस ऑफ कमांड या जो भी कीज हम प्रेस कर रहे हैं वो हो सकता है उसके बाद है ये सिक्वेंस ऑफ एक्शन सच है स्ट्रोक्स एंड क्लिक्स कैन बी रेकॉर्डेड रन हैज रिक्वायरमेंट तो जब भी चाहिए उसको प्ले करेंगे रन करेंगे हो जाएगा मैक्रोस कैन बी यूज इन दॉलोइंग सिचुएशन एक तो यह है कि जब भी आपको स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग रिपीटेडली चाहिए तो यूज होगा टू यूज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला स्प्रेडशीट में फॉर्मूला चाहिए तब यूज होता है लिस्ट द एक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड बाई मैक्रो मैक्रो क्या क्या रेकॉर्ड नहीं कर सकता तो ये छह चीजें यहाँ पे लिस्टेड है सबसे पहला है ओपनिंग विंडोज आपने कोई विंडो ओपन कर लिया दूसरा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि वो स्प्रेडशीट का हो या ना हो हमें पता नहीं कौन सा विंडो ओपन हो रहा है तो इसलिए ये नहीं होगा एक्शंस कैरिड आउट इन अनदर विंडो धैन वर द रिकॉर्डिंग वॉज स्टार्टेड जिस स्क्रीन में आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है उसी स्क्रीन का रिकॉर्ड करेगा दूसरे स्क्रीन का रिकॉर्ड नहीं करेगा उसके बाद है सिलेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑनली इफ दे आर डन बाबोर्ड की बोर्ड से सिलेक्शन करेंगे वही रेकॉर्ड होगा माउस से सिलेक्शन रेकॉर्ड नहीं होगा द मैक्रो रेकॉर्ड वर्क ऑनली इन कैल्सियन राइटर तो कैल्सियन राइटर के लिए है बेस में भी कभी कभी मैक्रो हम क्रिएट कर सकते हैं तो यह चीजें यहां पर रहेगी हाउ इज लिबर ऑफ इज मैक्रोज लाइब्रेरी डिफरेंट फ्रॉम माई मैक्रोज तो लाइब्रेरी कलेक्शन होता है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चीजें डाली हुई है तो मैक्रो क्या होता है कि मैक्रो यूजर क्रिएट करता है तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स विथ टर्न इज अ कलेक्शन ऑफ मैक्रोस तो ये टर्न्स विथ टर्न्स इन अ कलेक्शन ऑफ मैक्रोव तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ मैक्रोज से बन सकती है अ लिब्रा ऑफिस मैक्रोज लाइब्रेरी कंटेंस डिफॉल्ट मैक्रोज स्टोर्ड बाय लिब्रा ऑफिस वेर एज माई मैक्रोज कंटेंट्स मॉड्यूल्स ऑफ मैक्रोज क्रिएटेड बाई यूजर तो जो इनबिल्ट है वो आपके लिब्रा ऑफिस के जो कलेक्शन है उसके अंदर मिलेगा और जो हम क्रिएट करेंगे वो मेन मॉड्यूल में मिलेगा जो भी क्रिएट करेंगे उसमें माई मैक्रोज में मेन मॉड्यूल होता है उसमें आपको मिल जाएगी चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्री डिफाइंड फंक्शन इन कैल्सी एंड मैक्रो फंक्शन तो मैक्रो मैक्रोएज फंक्शन और इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले प्री डिफाइंड फंक्शन विल बी स्टोर्ड इन लिब्रा ऑफिस मैक्रोज लाइब्रेरी तो ये लाइब्रेरी में सेव होता है जब भी मैक्रोएज फंक्शन विल बी स्टोर्ड इन माई मैक्रोज लाइब्रेरी तो ये माई मैक्रोज में सेव होगा दूसरा पॉइंट है प्री डिफाइंड फंक्शन हैज सम कोड लेंथ प्री डिफाइंड फंक्शन के कुछ कोड लेंथ होता है मैक्रोज में हम जो चीज डालेंगे वो आएगा तो कोड लेंथ इसमें चेंज रहेगा इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड प्री डिफाइंड लाइब्रेरी एक बार बन गई तो बन गए उसको एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते माई मैक्रोज जो होता है उसको कभी भी मैक्रो है जो फंक्शन को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं फास्टर इन एग्जीक्यूशन है ये स्लोअर इन एग्जीक्यूशन है तो ये यहां पे रहेगा चलिए नेक्स्ट लिस्ट द रूल्स दैट शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल्ड नेमिंग अ मैक्रो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पहले मैक्रोज शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विथ अ लेटर Does not contain any space, does not contain a special character or under, except underscore. तो so, underscore के अलावा आपको ये भी special character use नहीं कर सकते हैं. Give any one advantage of macro. तो so, macro can be used again and again, जितनी बार चाहे उतनी बार use कर सकते हैं. Macro can be copied and distributed to multiple users, copy multiple users को कर सकते हैं, distribute कर सकते हैं. Macros can be solve as a part of broader solution to a customer. तो so, आपको कोई ब्रॉड सॉल्यूशन चाहिए? कस्टमर के लिए तो यूज कर सकते हैं आप तो ये था एनसीआरटी सोल्यूशन आज के वीडियो में बस इतना ही सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर चुके हैं हम आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी उसके अंदर लिंक होगा तो चलिए मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सिक्स के क्वेश्चन जो कि लिब्रा ऑफिस बेच से होंगे तो चलिए जल्दी मिलते हैं उस वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग